गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके HTML के अंदर कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है क्रिएटिंग ए टेबल। HTML के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम कैसे क्रिएट करेंगे टेबल को, क्रिएटिंग ए टेबल। देखिए टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं हम। अब HTML के अंदर जिस तरह से हम रो और कॉलम बनाते हैं एक्सेल के अंदर, या फिर वर्ड के अंदर हम कोई टेबल बनाते हैं, इसी तरह हम HTML के अंदर किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं वो देखिए। तो क्या कह रहा है ये, HTML हैज ए टैग, ए टैग इज कॉल्ड टेबल टैग। HTML के अंदर एक टैग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेबल टैग। कौन सा टैग होता है, टेबल टैग होता है। इस टैग के द्वारा हम टेबल क्रिएट करेंगे HTML के अंदर। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं टेबल क्रिएट करने के, तो देखते हैं हम कौन कौन से पॉइंट हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज यूज टू क्रिएट ए टेबल इन ए वेब पेज। क्या कह रहा है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, वेब पेज के अंदर टेबल को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका क्या यूज है वो देखिए, टेबल टैग जनरेट दी रो कॉलम मैट्रिक्स क्या कह रहा है, टेबल टैग किस तरीके से जनरेट होता है रो और कॉलम में, दैट में कंटेन ऑब्जेक्ट सच एज टेक्स्ट इमेज लिंक एटसेट्रा। देखिए क्या मतलब है इसका, टेबल टैग क्या क्या कर सकता है, टेबल टैग जनरेट रो और कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि रो और कॉलम को जनरेट करेगा, और इसके साथ में किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमारा टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई और लिंक्स हो गया, इनको भी जनरेट करता है, यानी कि इनको भी इंसर्ट करता है, इनको भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये है आपका टेबल टैग का काम। अब देखिए टेबल टैग किसलिए सबसे ज्यादा, जैसे हम टेबल के अंदर पहले तो ये समझते हैं कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वर्ड में या एक्सेल में हम सीधा टेबल के ऊपर गए और टेबल हमने
इंसर्ट कर दिया अपने पेज के ऊपर, ठीक है। लेकिन HTML कहां काम करता है, वेब पेज के ऊपर, यानी कि आपके वेबसाइट के पेज के ऊपर काम करने के लिए आप किस तरीके से लिखोगे। हमें टेबल की जरूरत है तो किस तरीके से करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे। और क्या क्या करता है ये, इट इज यूज टू क्रिएट ए टेबल इन ए वेब पेज। क्या कह रहा है कि यह इसलिए यूज होता है कि वेब पेज के ऊपर टेबल क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेबल टैग का यूज करते हैं हम, ठीक है। किसका यूज करते हैं, टेबल टैग का, ओके। टेबल टैग जनरेट्स द रो कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि टेबल टैग क्या करता है, रो और कॉलम बनाता है, ठीक है। दैट मे कंटेन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और लिंक, ठीक है, ये भी हो सकते हैं आपके। तो नोट कीजिए पहले आप इसको, हो गया सभी का। आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा टेबल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, यानी कि हमारी टेबल को जिस तरीके से हम वर्ड के अंदर कुछ अलग अलग ऑप्शंस का यूज करते थे, यानी हमारे पेज को कुछ अलग तरीके से डिजाइन करने के लिए हम अलग अलग ऑप्शंस का यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अब हम HTML के अंदर किस चीज का यूज करेंगे, इसके अंदर जो हमारे ऑप्शंस यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब देखिए इन ऑप्शंस से हम क्या क्या करेंगे कि HTML वेब पेज को हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेबल एट्रीब्यूट्स, टेबल एट्रीब्यूट्स देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे, वो देखते हैं हम कि किस किस ऑप्शंस का यूज करके हम अपने पेज को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, पहला है हमारा बॉर्डर, देखिए बॉर्डर क्या करता है, जैसे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर कुछ भी हमने लिखा हुआ, जैसे हमने लिख लिया टेबल, इसके चारों तरफ यानी कि बॉर्डर लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम बॉर्डर का, क्या करता है, इट इज यूज टू एड एड बॉर्डर टू ए टेबल। क्या कह रहा है कि ये किस लिए यूज होता है बॉर्डर आपका, इट इज यूज टू एड बॉर्डर टू ए टेबल, यानी कि टेबल के अंदर बॉर्डर एड करने के लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब देखिए किस तरीके से बॉर्डर को एड करेंगे हम, जो हम टैग्स लगाएंगे, जो कीवर्ड उसके अंदर लिखेंगे जिसके द्वारा बॉर्डर क्रिएट होगा, तो वो देखिए कौन से कीवर्ड लिखेंगे हम,
देखिए अब क्या कह रहा है ये, हम इस कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे टेबल, हमारा टेबल के चारों तरफ हमें बॉर्डर करना है, टेबल हो गया यानी कि दो साइड से टेबल, क्या करना है हमें बॉर्डर लगाना है, स्पेस बॉर्डर इज इक्वल टू टू, यानी कि हमें टू साइड बॉर्डर लगाना है। ठीक है, क्या करना है, टू साइड बॉर्डर लगाना है, पहले टेबल फिर बॉर्डर स्पेस बॉर्डर इज इक्वल टू टू और ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारा बॉर्डर क्रिएट करने का टैग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रूल, क्या है रूल्स, टेबल के अंदर हम रूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखिए। इट इज यूज्ड टू क्रिएट रूल देखिए ये किस लिए यूज होता है, इंटरनल बॉर्डर क्रिएट करने के लिए, ये किस लिए था, आउटर बॉर्डर क्रिएट करने के लिए। और रूल्स क्या काम करता है, इंटरनल बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हम रूल्स का अप्लाई करते हैं। अब वो देखिए कैसे, किस तरीके से करेंगे, पहले हमने लिया टेबल स्पेस बॉर्डर इज इक्वल टू वन, रूल्स इज इक्वल टू रोज। अब देखिए क्या कह रहा है कि हम रूल कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, टेबल स्पेस बॉर्डर इज इक्वल टू वन, यानी कि एक के ऊपर ही हम अप्लाई करेंगे, स्पेस रूल इज इक्वल टू रो, यानी कि एक ही रो के ऊपर हम ये इंटरनल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम कॉलम के लिए किस तरीके से लिखेंगे, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वन, रूल्स इज इक्वल टू कॉलम। इस तरीके से हम कॉलम के अंदर बॉर्डर क्रिएट करेंगे। देखिए कैसे, टेबल स्पेस बॉर्डर इज इक्वल टू वन, रो सॉरी रूल्स इज इक्वल टू कॉलम। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारा टेबल और रो के अंदर यानी कि इंटरनल बॉर्डर क्रिएट करने का मेथड। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट करो। हो गया सभी का, आप देखिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, हमने बॉर्डर का पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया रूल्स के बारे में, अब पढ़ेंगे हम सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, हम सेल के अंदर स्पेस किस तरीके से क्रिएट करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए तो स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड
एज द स्पेस बिटवीन सेल एंड आउटर एज ऑफ टेबल। देखिए क्या कह रहा है कि हम इसको कह सेल स्पेसिंग क्या करता है, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन सेल एंड आउटर एज ऑफ द टेबल, यानी कि सेल का स्पेस, जैसे ये हमारी एक सेल है ठीक है, और ये है हमारा टेबल का बॉर्डर, इस तरीके से हमारी सेल्स बनी हुई हैं, ठीक है। इसी टेबल के अंदर बहुत सारी सेल बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि स्पेसिंग आपने वर्ड के अंदर भी पढ़ा था, एक्सेल के अंदर भी पढ़ा था, स्पेसिंग क्या होता है, स्पेस दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ब्लैंक स्पेस होता है, यानी कि उनके बीच में एक स्पेस छोड़ा जाता है ताकि वो अलग अलग लिखे जाएं। जैसे अब हमने लिखा हुआ है बिटवीन और सेल, सेल के बीच में देखिए हमने स्पेस छोड़ा हुआ है ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं स्पेस, ओके। तो क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन सेल, यानी कि ये हमारी सेल है, एंड आउटर एज ऑफ टेबल, जो ये टेबल का आउटर जो एज है, यानी कि बाहर का जो एरिया है, बाहर की जो आपकी एज एरिया बोल सकते हो, जो एरिया है उसके और सेल के बीच में कितना स्पेस है उसको कौन क्रिएट करता है, सेल स्पेसिंग, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है, तो वो देखिए पहले देखिए, पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वन, यानी एक ही सेल के अंदर करना है हमें सेल सेल स्पेसिंग स्पेसिंग इज इक्वल टू टेन। देखिए क्या कह रहा है ये, किस तरीके से लिखेंगे, टेबल स्पेस बॉर्डर इज इक्वल टू वन स्पेस सेल स्पेसिंग, इनको हम एक साथ कंबाइंड लिखेंगे, क्या सेल स्पेसिंग, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच में ठीक है, यहां पर स्पेस है आपका, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू टेन ठीक है। यानी इस तरीके से हम सेल और टेबल के बीच में स्पेस क्रिएट करते हैं ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए।